हमेशा से यही सोचा था कि एजुकेशन ही जो है ना हमें आगे लेके जाती है, बट जब हम रियल लाइफ में एंटर होते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ एजुकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करती, आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। तो जहाँ तक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, आई एम नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज द एक्चुअल अमाउंट, बट आई कैन से दैट आई एम अर्निंग क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट। इट्स अ 4-figure इन डॉलर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स अली असगर हियर फ्रॉम इनेबलर्स। इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग सिंस आई एम इन द बिजनेस, प्रॉबली फ्रॉम 2021। और ये जर्नी बेसिकली स्टार्ट होती है 2021 से, जब मैंने इनरोल किया था इनेबलर्स के कोर्स में, व्हाट इज़ कॉल्ड एज FBA मास्टरी। और उससे पहले ऐसा सच कोई इरादा भी नहीं था ई कॉमर्स में आने का, बट जब एक दफ़ा इसकी हाइप देखी और देखा लोगों को कि किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं एंड पीपल आर अर्निंग क्वाइट गुड ऑफ अमाउंट, तो फिर सोचा और अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ थी उनको थोड़ा सा चेंज किया और इधर ई कॉमर्स वाली साइट पे मैं आया, इनेबलर्स को बेसिकली ज्वाइन किया। और यहाँ से कोर्स करने के बाद काफ़ी हर्डल्स वगैरह भी पेश आए एज सच के क्लाइंट्स वगैरह, सबको जानते हैं आजकल क्लाइंट्स वगैरह हमें मुश्किल ही होता है मिलना, बिकॉज स्किल्स और आपकी अपनी प्रेजेंटेशंस बड़ी मैटर करती है इस चीज़ के अंदर। और जब आप क्लाइंट वगैरह के साथ किसी के साथ काम करते हैं और आपको पता है कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ अर्निंग भी आपकी क्वाइट जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है बिकॉज यू हैव टू प्रूव समथिंग। तो बेसिकली जब कोर्स स्टार्ट किया तो कोर्स के जितने मंथ्स गुजरे उसमें तो कोई ज़्यादा ऐसा अर्निंग नहीं हुई, बट आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मेंटर्स, फ्रॉम माय टीम, फ्रॉम माय कलीग्स एज वेल। तो चीज़ें काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हुई। अच्छा, जब एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो गया था, हमारा ट्रेनिंग बैच कंप्लीट हो गई थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा इंगेज हूँ और द बेस्ट ऑप्शन दैट आई हैव फाउंड इज़ वर्क बेसिकली, और वर्क हेडक्वार्टर मैंने ज्वाइन किया और काफ़ी मंथ्स यहाँ पे स्पेंड किए और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से गेन किया। बेसिकली मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव था लोगों के साथ इंगेजमेंट करने का, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है ना लर्निंग मिले। तो जो मेरा अपना बिज़नेस मॉडल है बेसिकली होल सेल, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो अब इसको ग्रो करने के लिए वर्क एक बेस्ट ऑप्शन था बिकॉज आई हैव फाउंड मैनी पीपल डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम करंटली डूइंग। तो वर्क में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, आई एम स्टिल इन वर्क एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन मल्टीपल थिंग्स। अच्छा, तो वर्क बेसिकली हमें क्या सिखाता है? वर्क हमें ये सिखाता है कि हमने अपने जो लर्निंग पावर है उसको इंक्रीज़ कैसे करना है, हमने खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, बिकॉज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि हमारे काम में होनी चाहिए। तो वर्क से मैंने बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की है, ज़रा एक ओपन माइंडेड पीपल लोगों के साथ बैठ के जो काम किया है तो उससे काफ़ी अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ जो है ना इंक्रीज़ हुई हैं। तो इसके अलावा वर्क हमें बेसिकली कोलैबोरेशन की भी काफ़ी एज देता है, लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। एक्चुअल जो मीनिंग है वर्क ऑन रियल कोलैबोरेशन वर्क का, वो भी यही है कि हम लोगों के साथ किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, किस तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और इस कोलैबोरेशन से ही बेसिकली सारी जो बेनिफिट्स हैं ना वो मुझे गेन हुए। अच्छा, रही बात मेंटोर्स की और सीनियर्स की, जब बेसिकली मैं अपने आप को कभी एक जूनियर लेवल पे समझता था तो जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली थी वो अपने सीनियर मेंबर्स से ही मिली थी, और उसके अलावा अपने जो मेंटोर हैं मेरे, उन्होंने काफ़ी हर चीज़ में सपोर्ट किया था, किसी भी तरह के कोई भी हर्डल्स, किसी भी तरह की कोई इशूज़ जो भी मुझे अपने काम में आते थे, तो वो सबसे पहला मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ मेरे मेंटोर हुआ करते थे, कुछ सीनियर मेंबर्स मेरे साथ जो अटैच थे वर्क में भी और बैच में भी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इस चीज़ में जो है ना हेल्प की है। तो जो बेसिकली मुझे हर्डल्स पेश आए अपने काम को स्टार्ट करके, अपनी जर्नी को स्टार्ट करके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अर्निंग के पर्सपेक्टिव से था कि कोई ऐसा अर्निंग नहीं थी बिगिनिंग में, और जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मैंने समझना शुरू किया तो काफ़ी टाइम लग गया बेसिकली इन हर्डल्स को फेस करते हुए और चीज़ों को सीखते हुए। तो जब एक दफ़ा इनिशिएट लिया कि मैंने बाहर भी निकलना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, और जो अपने ये हर्डल्स हैं और जो अपनी ये कह लें कि अर्निंग के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही उनको सीखना है, उनको समझना है,
तो उसके बाद फिर ये सोच को लेके भी लेते चले हैं और वर्क भी ज्वाइन किया, तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी आसान होनी शुरू हुई। अच्छा, जहाँ तक बात आती है टाइम की और जहाँ तक बात आती है ड्यूरेशन की, इस काम को सीखने के लिए बेसिकली टाइम तो चाहिए आपको और टाइम देना भी पड़ता है। जब आप एक दफ़ा किसी काम को शुरू करते हैं तो वो इतना आसान नहीं है आपके लिए, तो यहाँ पे टाइम मैटर करता है आपके लिए। तो अगर तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कितना टाइम लगा था इसको सीखने के लिए, लाइक आई हैव सेड बिफोर आई हैव बीन इन द बिजनेस अराउंड 2 ईयर्स, तो मुझे कोई कह लें कि 5 to 6 months तो लग ही गए थे अपने इस बिजनेस मॉडल को सीखने के लिए और इसमें कोई अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो जहाँ तक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, आई एम नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज द एक्चुअल अमाउंट, बट आई कैन से दैट आई एम अर्निंग क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट, इट्स अ 4-figure इन डॉलर्स। तो अर्निंग की कंसिस्टेंसी अगर हम देखते हैं तो हमारी बेसिकली जो फ्री लांसिंग की एक फील्ड है, इसके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी हर मंथ ही कंसिस्टेंट अर्निंग होती है, बिकॉज चीज़ें कभी कभार अप एंड डाउन भी हो जाती हैं, बट आई कैन से दैट इट्स बीन मोर देन अ ईयर सिंस आई एम अर्निंग द सेम अमाउंट और इन इवन मोर। जी, कभी गिव अप नहीं किया इस चीज़ के अंदर, लगे रहे हैं और जो जो चीज़ें समझ आती रही हैं उनको प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलते रहे हैं, तो कभी ऐसे गिव अप नहीं किया। हाँ, बट कभी कभार इस तरह का माइंड सेट ज़रूर हुआ है कि हमें इन चीज़ों को अब छोड़ देना चाहिए, और ये पॉइंट और ये टाइम तब आता है आपके पास, तो आपके जहन में आपकी मेंटालिटी तब आपको ये कहना शुरू करती है कि जब आपकी कह लें कि कोई अर्निंग आपको नज़र नहीं आ रही होती और कोई आपको वे आउट नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैंने बेसिकली ख़ुद तो कभी गिव अप नहीं किया, जो कि मैं कहता हूँ कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ ये गिव अप ना करने की वजह से ही है। अभी करंटली मैं जिस मॉडल पे काम कर रहा हूँ और जो मेरे फ्यूचर गोल्स रिलेटेड माय वर्किंग मॉडल हैं, वो यही है कि मैंने अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। आई एम करंटली वर्किंग विथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल, तो उनके साथ भी अपने जो इस बिज़नेस को है वो ग्रो करना है और चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड करनी है। आई एम करंटली इनटू बिल्डिंग अ टीम एंड ग्रोइंग माय बिजनेस। अच्छा, जहाँ तक मेरे अपने बिज़नेस मॉडल की बात आती है, तो मैं होलसेल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जो मेरे स्किल्स हैं, वो बेसिकली होलसेल मॉडल के अंदर है। यूके, यूएस और इस तरह की मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं अभी भी करंटली अपने क्लाइंट्स को लेकर चल रहा हूँ और वहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। अदर देन डैट, दी अदर थिंग दैट आई कैन से, जो कि मेरी अपनी स्किल्स हैं, वो अपनी कंपनी फॉर्मेशंस हैं, LLC फॉर्मेशंस, LTD फॉर्मेशंस, लीगल मैटर्स को मैं डील करता हूँ, उसके अलावा टैक्स फाइलिंग्स और ईच एंड एवरीथिंग यू कैन से दैट रिगार्डिंग होलसेल A to Z जो है ना, मैं अपने स्किल्स को समझता हूँ। तो मैं अपने वर्किंग मॉडल को इस तरह से भी एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरे अभी करंटली वर्किंग चल भी रही है, अदर देन होलसेल। लाइक हम ऑनलाइन आर्बिट्राज को बड़े अच्छे से समझते हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर हम बड़े अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं। इसमें हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं उस चीज़ उन फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि जिन फील्ड्स के थ्रू मैं अपने करंटली करंट वर्किंग मॉडल को बेहतर कर सकूँ। अच्छा, अगर तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं, बैक टू स्कूल टाइम एंड वन बैक टू कॉलेज टाइमिंग्स, इस तरह का कभी भी कोई माइंड सेट नहीं था। हमेशा से यही सोचा था कि एजुकेशन ही जो है ना हमें आगे लेके जाती है, बट जब हम रियल लाइफ में एंटर होते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ एजुकेशन यहाँ पर मैटर नहीं करती, आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस की बात करूँ, सो आई थिंक आई एम क्वाइट गुड एट कम्युनिकेशन skills, I'm quite good in convincing people, और इसके अलावा अगर तो weakness की कोई बात की जाए, तो काफ़ी टाइम पहले मैं समझता था कि जो मेरी वीकनेस है वो यही है कि मैं कह लें कि अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, जो मेरे व्यूज़ हैं रिगार्डिंग इनेबलर्स, वो हमेशा से हाई ही रहे हैं और अभी भी हाई ही हैं और आगे भी हाई ही रहेंगे। इनेबलर्स हमें करंटली वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी करंट टाइम में, मेन टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मल्टीपल हमें यहाँ पर स्किल्स सीखने को मिलते हैं जो कि कह लें कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और यही मेरा भी रहा है गोल हमेशा से कि इनेबलर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनेबलर से ही सीखा जाए, बिकॉज़ इनेबलर्स यहाँ पे ज़ाहिर है कि हमें जो स्किल्स दे रहा है, जो स्किल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो काफ़ी वैल्यूबल है। जी, मैं मैसेज लोगों को बेसिकली यही देना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कम ना समझें। हमेशा अपने लिए न्यू वेज, न्यू राउट्स
एक्सप्लोर करते रहें, चीज़ों को समझना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, बट जब आप एक ही दफ़ा स्टिक रहते हैं अपने गोल के साथ, तो फिर आपके लिए कहने की मंजिलें भी आसान हो जाती हैं।